जनाब, आज इस खास वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके जुड़े हुए सवाल और उसके जवाब प्रस्तुत करने जा रहा हूं इस खास वीडियो में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक कॉन्सेप्ट बेस्ड है। क्योंकि जो क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, उसमें से जो मुझे क्वेश्चंस कमेंट्स अच्छे लगे, उन कमेंट्स का निचोड़ इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आया। इस वीडियो को आप जरूर शुरू से आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि सवाल स्टेप बाय स्टेप और उसके जवाब स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलेंगे। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत करते हैं, और जो पहली बार आए हैं, मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हर खास अपडेशन इसी पे मिलती रही है और मिलती रहेगी। तो जनाब, सबसे पहले मैं जो पहला कमेंट जो एक महत्वपूर्ण मुझे लगा, वो मैं कवर करने जा रहा हूं। वो है कंप्लीशन, कंप्लीशन की डेडलाइन और इसकी लास्ट डेट बताएं। तो जनाब, आपको सबसे पहले हम ये बता दें कि जो कंप्लीशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कंप्लीशन नहीं कराते हैं तो इसके लिए आपको पेनल्टी का भुगतान करना पड़ता है। सबसे पहली चीज, हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होती है, जिस दिन आपकी लीज डीड होती है आर्टिकल 35 अथॉरिटी और आपके बीच, अलॉटी या और आपके बीच, तो जनाब उस दिन से पोजेशन की तारीख मत गिनिएगा। दोबारा बोल रहा हूं, जिस दिन आपकी लीज डीड की जो डेट रजिस्टर्ड लीज डीड जब होती है, लास्ट पन्ने पे उस पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, डेट आती है, आपकी बकायदा फोटो आती है, तो आप वो तारीख नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें जो हमारे पास क्वेश्चन आया था सेक्टर 22 डी का, कंप्लीशन की लास्ट डेट के बारे में बताएं, तो जनाब आपको ये बता दें कि जनाब आपको 50%, जी हाँ 50% कंस्ट्रक्शन ऑफ मैक्सिमम परमिसिबल एरिया, जो आपका प्लॉट का एरिया है, उसका आपको चारों तरफ की बाउंड्री और साथ में एक कमरा और टॉयलेट बाथरूम बना के उसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अथॉरिटी से लेना होता है। डेडलाइन की जो बात करी, आपको ये बता दे, जिस दिन आपकी लीज डीड हुई है, जिस दिन आपकी रजिस्ट्री हुई है, वो जो तारीख है, उस तारीख से आपको मात्र 3 साल का समय दिया जाता है। अगर हम सेक्टर 22 डी की बात करें तो लगभग प्लॉट्स इसमें आरपीएस स्कीम, जैसे अभी स्कीम आरपीएस 05 2021 निकली, तो इसकी जो अलॉटमेंट चली थी आरपीएस 02 2015 के हिसाब से, उस समय पे जनाब यमुना अथॉरिटी ने सेक्टर 22 डी में प्लॉट्स दिए, तो लगभग 3 साल का लीज डीड की तारीख जिस दिन एग्जीक्यूशन हुई, उससे 3 साल के बाद अगर आपको इसका, अगर आप नहीं बना पाते मकान 50% ऑक्यूपेंसी, अगर आप इसकी क्रिएट नहीं कर पाते, तो आपको 4% का भुगतान टोटल प्रीमियम ऑफ प्लॉट की कॉस्ट जो है पहले साल में आपको देना होगा। दोबारा सुन लीजिए, 4%। अब इसको ही हम थोड़ा खोलते हैं कि अगर हम बात करें 4% की, तो जनाब अगर हम स्कीम की बात करें, यमुना अथॉरिटी के एरिया के हिसाब से बात करें, समय ज्यादा पुराना ही नहीं है, लेकिन अगर उस समय की अगर हम बात करें तो लगभग 16 लाख के आसपास की प्रीमियम के आसपास की कॉस्ट इसकी तय थी। तो अगर हम 4% की बात करें तो लगभग 61,000 रुपए के आसपास की पेनल्टी आपको देनी होगी। अगर आप एक साल, सिर्फ एक साल के लिए अगर आप लेट हो जाते हैं, मतलब 3 साल के अंदर आपको करना है लीज डीड की रजिस्ट्री की तारीख से, 3 साल के अंदर नहीं करते तो पहले साल में 3 साल के बाद 4% का ब्याज, उसके बाद अगर फिर भी आप नहीं कर पाते, दूसरे साल में आप उसके आगे पहुंच जाते हैं, तो आपको तब 5% टोटल प्रीमियम ऑफ प्लॉट जमा करना होगा। अगर आप वो भी नहीं कर पाते उसका अगला, तो उसमें आपको 6% ऑफ द प्रीमियम ऑफ प्लॉट देना होगा। मान के चलिए आगे के भी जनाब आपके चले जाते हैं, 3 साल और बढ़ जाते हैं, तो आपको 4%, दोबारा सुनिएगा, 4% ऑफ सेक्टर रेट पर स्क्वायर मीटर एट द टाइम ऑफ जो आप एक्सटेंशन ग्रांट करेंगे, तो आपको उसका 4% जनाब जमा करना होगा। तो ये था सवाल आपका सेक्टर 22 डी का और कंप्लीशन और डेडलाइन का। आपको ये बता दें, ये सब बहुत तेज और तेज रफ्तार में होगा,
क्योंकि इतना पेनल्टी अननेसेसरी कोई भी नहीं देगा। और आपको ये भी बता दे, सेक्टर 22 जी एक उसमें से बेहतरीन सेक्टर आप सभी के लिए शुभ साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन बहुत ही जल्दी बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जितने प्लॉट्स हैं वो सिर्फ रजिस्टर्ड बेस्ड है, मींस जिस दिन उसकी रजिस्ट्री है और साथ में उसका कंप्लीशन का समय बहुत जल्द आना है, तो पेनल्टी कोई भी उसके लिए वेट नहीं करेगा। तो इस सेक्टर में आप देखिएगा सबसे जल्दी बसावट मेरे हिसाब से बनती हुई दिखाई देगी, और कंप्लीशन अभी वहां पे बनने शुरू भी हो गए हैं। तो अगला सवाल जो अब हम कवर करते हैं वो सवाल था 500 स्क्वायर मीटर का। तो 500 स्क्वायर मीटर कॉर्नर का जनाब रेट पूछा यू सेक्टर में कि कितना प्राइस है। जनाब सुन लीजिए, अगर हम इसकी तुलना करें सेक्टर सितंबर 2020 की, तो जनाब मात्र 60 से 65 लाख में आपको प्लॉट्स मिलते थे। दोबारा सुन लीजिए, सितंबर 2020 60 से 65 लाख के बीच में आपको प्लॉट्स मिलते थे, लेकिन आज की तारीख में अगर आप आज जाते हैं तो आपको 1.80 सीआर से लेके 1.90 सीआर के बीच में 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट देखने को मिलता है। अगला सवाल कि जनाब हमारे पास एक और बेहतरीन सवाल आया था कि 2030 तक कमेंट आए थे, उस पर एक और कमेंट आया कि उनके हिसाब से 300 स्क्वायर मीटर 5 से 6 करोड़ पहुंच जाएगा, तो 120 स्क्वायर मीटर 2 से 3 करोड़ पहुंच जाएगा। जनाब एक सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देते हैं, आपने तो आउट ऑफ द लिमिट रेट बता दिया। देखिए आप कभी भी तुलना करते हैं हमेशा चीजों से तुलना कीजिए। मानते हैं मार्केट में एप्रिसिएशन होना है, लेकिन इतना ज्यादा एप्रिसिएशन करना संभव हो भी सकता है, पर हर चीज एक फैक्टर के साथ जुड़ी होती है। अगर हम कुछ एग्जांपल अपने इसी एरिया को यूपी के सटे हुए कुछ और एरिया से अगर हम कंपैरिजन करें, जैसा कि ट्रोनिका सिटी, अगर आपको ट्रोनिका सिटी का अनुभव है, वो भी गाजियाबाद से सटा हुआ दिल्ली एनसीआर में लगा हुआ एरिया है, अगर वहां पे भी इसी तरीके से तेजी उस समय पे आई थी, तो जनाब अथॉरिटी की तरफ से, वहां की अथॉरिटी की तरफ से लगभग 9000 के आसपास पे रेट उसको जो है अलॉट हुए अलॉटी को, और उसका रफ्तार ऐसी पकड़ी कि उसके रेट 14000 हुए, 15000 हुए, 25000 भी हुए। वहां पे आसपास के डीलर्स बोलते थे ये 1 लाख के आसपास आने वाले वक्त में जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। आज की डेट में उसके रेट से रिवाइज हो चुके हैं, रिवाइज मतलब 14 से 15 हजार के आसपास का रेट आपको वहां पे प्लॉट का ट्रोनिका सिटी में देखने को मिलता है। तो कहने का ये मतलब, अनुभव करना जरूर अच्छा होता है, लेकिन एक लिमिट में और एक दायरे के साथ चले, आउट ऑफ द लिमिट को हम नहीं सोचे वो ज्यादा बेहतरीन है। बाकी हम सभी के लिए ये बहुत अच्छा है कि इतने ऊंचे स्तर पे आपने जो रेट बताए हो सकता है चले जाए। एक और सवाल जो मैं कवर करने जा रहा हूं वो था जनाब मेट्रो और पॉट टैक्सी का। हमसे ये पूछा गया, ये जो मेट्रो और पॉट टैक्सी का जो कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है, क्या ये इसी फाइनेंशियल ईयर में शुरू होगा? जनाब आपको मैं पहले भी अपनी वीडियोस में दे चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके खंगाल लीजिए, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी जिसमें कवर होता है मेट्रो, पॉट टैक्सी और साथ में रोड का कंस्ट्रक्शन, इन सभी चीजों के लिए लगभग 300 करोड़ का यमुना अथॉरिटी की तरफ से इसका प्रावधान, पैसा अगर हम उसकी बात करें सरकार की तरफ से आ चुका है। तो अगर हम बात करें डिटेल में, 300 करोड़ को अलग लेके लैंड परचेजिंग के लिए 1535 करोड़, 1160 करोड़ कंस्ट्रक्शन प्लांट्स के लिए 300 करोड़ मेट्रो और पॉट टैक्सी और 157 करोड़ रूरल डेवलपमेंट, ये सारा का सारा प्रावधान इस बार बजट में यमुना एक्सप्रेस वे के लिए आया है, जो कि लगभग पिछले साल की तुलना में अगर हम कंपेयर करें तो जनाब बहुत ही ज्यादा 5 times ज्यादा बताया जा रहा है। तो कहने का मतलब कि जो मेट्रो और पॉट टैक्सी, जब पैसा अलॉट हो गया है तो काम तो होना ही है, और कब होगा? बहुत जल्द होगा, आप बस बने रहे। और एक और सवाल, एक सवाल ये था कि 162 स्क्वायर मीटर का प्लॉट जो है जनाब 70 लाख देखने में मिलता है, और 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट 1 CR का, ये सही नहीं है, ये फेयर है नहीं है। आपको ये बता दें, 162 स्क्वायर मीटर की बात करें तो जनाब ये सेक्टर 22 डी में इन्वेंटरी है, और सेक्टर 22 डी की जो इन्वेंटरी है, सबसे पहली चीज
वो पहले से ही जो उसकी लैंड थी जब एक्वायर करी गई थी, और अगर उसकी तुलना सेक्टर 18 या 20 से करें तो इनका जो रेट था इसका रेट पहले से ही बढ़ चढ़ के अथॉरिटी को मिला था, तो ये रेट पहले से ही इसका थोड़ा एक्सपेंसिव रहा है। और साथ में ये लिमिटेड इन्वेंट्री है, क्योंकि वहां पे जो प्लॉट्स है 120 की बात करें या 162 की करें, मैंने वीडियो सारी अपने चैनल पे बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं, ये एक लिमिटेड इन्वेंट्रीज है। और इधर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बाइंग इसकी जो अगर आप कहें इन्वेंट्री की, मात्र 1 से 10 दिन के अंदर कोई भी इन्वेंट्री जो आती है वो बहुत इजीली सेल हो जाती है। कहने का मतलब वहां पे जो इन्वेंट्रीज है वो आसपास के एरिया, अगर हम ग्रुप हाउसिंग जितने भी प्रोजेक्ट्स की बात करें वो सब उसके आसपास में घिरे हुए हैं। लेकिन अगर हम इसी की तुलना सेक्टर 18 से करें, सेक्टर 18 में नंबर ऑफ प्लॉट्स बहुत ज्यादा हैं बस, लेकिन अगर सेक्टर 18 की लोकेशन की बात करें तो जनाब सेक्टर 22 डी में जो ग्रुप हाउसिंग वाली चीजें थी, अगर ये ही सेक्टर 18 के आसपास में आ जाते तो सेक्टर 18 को कम्पीट करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन सेक्टर 22 डी को आज की डेट में भी आगे ले जाने में इन्हीं ग्रुप हाउसिंग का आप देखिएगा आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा। और यही वजह है क्योंकि वीवो प्लांट भी वहां पे, पतंजलि भी, ये सारा का सारा एरिया सेक्टर 22 डी के साथ सटा हुआ है, जो कि इस जगह को महत्वपूर्ण और महंगा बनाता है और डिमांडेबल बनाता है। उम्मीद करता हूँ ये खास लेटेस्ट कमेंट्स और सुटेबल रिप्लाईज आप सभी को मेरे दिल से आपके चरणों पे जरूर पहुंची होगी और आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और इसी तरीके से प्यार और सम्मान बनाए रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं इसी तरीके से खास खास अपडेशन आपको देता रहा हूं और देता रहूंगा। इस वीडियो को मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा अपने ट्विटर के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के कोई भी माध्यम से वीडियो जरूर ऊपर जानी चाहिए, यही आपसे मेरी गुजारिश है, एक आपसे रिक्वेस्ट है। अभी फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, मिलता हूं बहुत जल्द एक खास नई अपडेशन के साथ। गुड बाय, धन्यवाद।